जितने भी, ये एक सवाल आपसे, ये जो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस हैं इससे इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है? प्लॉट्स की जो ट्रांजैक्शंस हैं उस पे इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है करंटली? अगर तो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी हो, मतलब प्लॉट की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो डॉक्यूमेंटेड रहे, मतलब बेचने वाला खरीदने वाला फाइलर हो, दोनों की ट्रांजैक्शन थ्रू बैंक हो, कैश पे ना हो, तो फिर तो अच्छा असर पड़ता है। और अगर उस तरह हो जिस तरह हमारा एक निज़ाम चल रहा है तो इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ता है। देखिए अनफॉर्चुनेट है, बहुत ज़्यादा बहुत अनफॉर्चुनेट है। आज़ाद चाय वाला है, आज़ाद चाय वाला ने जो है पिछले दिनों ये बताया कि जिसे प्लॉट्स नए नए प्लॉट्स पे पैसे बंद हो जाते हैं और अगले सेगमेंट्स। आज़ाद चाय वाला बेसिकली ज़्यादातर वो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो छोटे बिजनेसेस हैं उसके बारे में बात करते हैं। उनके जवाब में एक बड़े यूट्यूबर है जो प्रॉपर्टी की रियल एस्टेट व्लॉगिंग करते हैं, उन्होंने जी बताया, उनका एक आर्गूमेंट था जो कि मुझे बड़ा अजीब भी लगा, मैं इसको एड्रेस भी करना चाहूंगा क्योंकि मुझे लगा कि उनकी नॉलेज ठीक नहीं है। उन्होंने उसके जवाब में आज़ाद चाय वाले ने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने बताया कि जी यार ये जो प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त है ना, ये प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त को जो है ये प्लॉट्स नहीं खरीदने चाहिए, ये पैसे फंसा देती हैं, अब बिजनेस की तरफ ध्यान दे। वो पढ़ा लिखा आदमी है, डेफिनेटली उसकी अप्रोच पढ़ी लिखी रहेगी, लेकिन उसके जवाब में एक रियल एस्टेट के व्लॉगर फरमाते हैं कि जी ये गलत है, जो पूरे अंडे बेच रहे हैं, मुर्गियां बेच रहे हैं आज़ाद चाय वाला साहब, ये डिफरेंट वेंचर्स बेच रहे हैं, ये सारे के सारे मिला के बिना तो रियल एस्टेट के एक प्रोजेक्ट की वर्थ के इक्विवेलेंट नहीं है। एक हाई रेस्ट की अगर एक प्लाजा ही बना लो तो प्लाजे की वैल्यू ज्यादा है और ये जितने भी छोटे मोटे बिजनेसेस बताते हैं इनकी वर्थ नहीं है। ये गलत आर्गूमेंट जनरेट है, ये बिल्कुल गलत आर्गूमेंट उन्होंने जनरेट किया है। कैसे? क्योंकि माइंडसेट लिमिटेड है ना, मैं हमेशा कहता हूँ छोटा लिमिटेड माइंडसेट है, हमेशा छोटे माइंडसेट के साथ बात कीजिए कि प्लाजे की वैल्यू, डेफिनेटली प्लाजे की वैल्यू तो ज्यादा ही होगी, लेकिन मेरे ख्याल से उन साहब ने एग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, हैंड इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी। जब आप एक छोटा कारोबार शुरू करते हैं ना, छोटा कारोबार, लेट अस सपोज आप अंडे बेचना शुरू करते हैं, आप मुर्गियां पालना शुरू करते हैं, डेफिनेटली उस वक्त उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, लेकिन आप बहुत कम कैपिटल से उसको जो है पैसा जनरेट कर सकते हैं, वहां से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर आप एक प्लाजा खड़ा करना चाहेंगे तो प्लाजा तो आप जीरो से नहीं खड़ा कर सकते ना, प्लाजे के लिए तो आपको ऑलरेडी एक वर्थ चाहिए, ऑलरेडी कैपिटल आपकी जेब में चाहिए, तब जाके प्लाजा बनाएंगे ना। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी, आपको अगर एक प्लाजा बनाना है तो आपको जमीन चाहिए, पैसे चाहिए ना जेब में, ऐसा ही। तो डेफिनेटली प्लाजे की वर्थ उस बिजनेस से ज्यादा ही होनी है क्योंकि उसका इनिशियल जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा है। लेकिन आप एक चीज को इग्नोर कर रहे हैं कि जो छोटा बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल एग इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं, हैंड इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, पोल्ट्री के बिजनेस की बात करते हैं, उसको चलाने के लिए आपको बहुत कम कैपिटल चाहिए एज कंपेयर टू अ रियल स्टेट बिल्डिंग। और दूसरा ये कि वो जो प्लाजा है वो उसकी जो उसका जो स्प्रेड का लेवल है उसमें ऑलरेडी उसको बनाने के लिए करोड़ों रुपया चाहिए, वो वहीं पर सस्टेन करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, कमर्शियल प्रॉपर्टी बन जाएगा या वहां पे आपको रेंटल वैल्यू आना शुरू हो जाएगी, वो वहां पे लिमिट कर जाएगा। लेकिन आप जो एक पोल्ट्री का बिजनेस स्टार्ट करते हैं छोटा सा, बेशक आप 10,000 रुपए से शुरू करें, आपके पास एक कैपेसिटी आती है कि आप पूरे मुल्क में उसको फैला के $1 मिलियन का बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। जी, आप एक प्लाजा खड़ा कर दें उसमें ऑलरेडी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट, उसे रेंटल वैल्यू आएगी, रेंटल वैल्यू करोड़ों की तो नहीं आनी, वो मैक्सिमम लाखों की आनी, वो लाखों रुपए जोड़ते रहेंगे तो एक नई जमीन खरीदेंगे पॉसिबल ही नहीं है, इन्फ्लेशन होती रहेगी। तो उस प्लाजे से आप मल्टीपल प्लाजा खड़ा तो नहीं कर सकते ना, आपको कहीं दूसरी जगह से आउटलायर से पैसा चाहिए। वो प्लाजा तो ये कि आप उसको बेच दें, उसकी वर्थ बढ़ जाए, किसी और जगह पे जाके बनाते हैं, लेकिन वो उस तरह का सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। जो सस्टेनेबल मॉडल आप एक छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं, आप उसको पूरे मुल्क तक फैला सकते हैं, आप एक पोल्ट्री फार्म एक छोटे कमरे से शुरू करें, आप पूरे मुल्क में ले जा सकते हैं, उन्हें जा सकते हैं ना, बिल्कुल आपके पास कैपेसिटी, आप ले जा सकते हैं। जी। तो इसीलिए जो लोग ये अगर आर्गूमेंट दें कि जी आजाद चाय वाले के जो डिफरेंट आइडियाज हैं, जो बिजनेस आइडियाज हैं छोटे छोटे जो उनके आइडियाज हैं वो बिल्कुल ही फजूल से आइडियाज हैं, उन पर नहीं कान धरने चाहिए, रियल स्टेट के आइडियाज बेहतर होते हैं, तो रियल स्टेट के लिए इतना पैसा भी चाहिए और ये आइडियाज बिल्कुल फजूल नहीं है, ये बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, खाली आपको कमिटमेंट चाहिए होती है, टाइम देना होता है, आपको 2-3-4-5 साल का रगड़ा खाना पड़ता है जब आप शॉर्ट बिजनेस की बात करते हैं। तो पहले तो रिलेवेंस ही आपको बताऊं। दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा कि प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन कैसे लिंक इन कर रही है हमारे साथ, जो है ना हमारी इकोनॉमी पे क्या असर डाल रही है, हमारा मसला क्या, हमारा इकोनॉमिक मॉडल क्या है? हमारा इकोनॉमिक मॉडल इस वक्त सिर्फ यहां तक महदूद हो गया है कि हम अपनी जो है ना, ये भुट्टो साहब ने भी हमें मॉडल दिया था कि हम अपना जो ह्यूमन रिसोर्स को एक्सपोर्ट करते हैं। देखो आपका मुल्क है ना, आपको बाहर से पैसे चाहिए, आपको डॉलर्स चाहिए। अब डॉलर्स हासिल करने के क्या तरीके हैं? दुनिया इस वक्त आईटी एक्सपोर्ट कर रही है, दुनिया ने पहले जो है अपनी अपनी फिनिश गुड्स जो है उसको प्रोड्यूस किया, एक्सपोर्ट किया, पैसे कमाए। अब आईटी का दौर आ गया, अब आईटी एक्सपोर्ट कर रही है। हमारा मॉडल क्या, हम आज से मसाले बेच रहे हैं, कॉटन बेच रहे हैं, उसी से एक्सपोर्ट बना रहे हैं, जो कि पता नहीं यूरोपियन कंट्री 17वीं सेंचुरी में कर रहे थे, हम 21वीं 22वीं सदी में आके ये काम कर रहे हैं, 21वीं सदी में कर रहे हैं, किसी सदी का भी जो है
एक हाफ जो है वो एक उसकी सिल्वर जुबली हो चुकी हुई है, गुजर चुका हूँ। तो हमारा तो माइंड सेट यहीं पर है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा मॉडल क्या है, हम अपने बंदे भेजे जा रहे हैं बाहर, कमाओ पुत भेजी जाओ बाहर, हवाम जाती रहे बाहर, लेबर जाती रहे, बस वो वहां पर कमाए और रेमिटेंस भेजती रहे, यही हमारा मॉडल है, इसी से हम पैसे कमा रहे हैं। थोड़ा बहुत जो फ्रीलांसिंग से हम थोड़ा बहुत उठे थे, लेकिन हमारे मुकाबले जो इंडिया है, इंडिया की जो फ्रीलांसिंग इकोनॉमी है, जो आईटी एक्सपोर्ट्स है, हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स उस मुकाबले में बिल्कुल बहुत कम है, नंबर वन। दूसरा प्रॉब्लम हमारा क्या है, हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो भी ट्रांजेक्शन है हम प्लॉट्स बेचने लेने में लगा देते हैं, जो भी पैसा कमाई जी प्लॉट ले लो, प्लॉट ले लो, प्लॉट ले लो, वो जमीन के टुकड़े को बेच बेच के बेच बेच के, मैंने आपको बेचा, आपने मुझे बेचा, हम दोनों ने उसको बेचा, उसे आगे बेचा, जमीन का टुकड़ा तो वहीं पर है, उसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी तो नहीं है, ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, घर बना देंगे उसके ऊपर, प्लाजा बना देंगे, तो वो आपने उसको बेच बेच के, प्लॉटों को बेच बेच के, बेच बेच के उन प्लॉट्स की वैल्यू इतनी ज्यादा कर दी है, सुपर सैचुरेट कर दी है, कि जो चीज आपको 8-10 लाख में मिल जानी चाहिए थी आपको करोड़ों में मिलती है, अब जाके 10-10 करोड़ में मिलती है, क्योंकि वो पैसा बस रोटेट करते जा रहे हैं हम रियल स्टेट में। अब मॉडल हमारे पास कोई है नहीं कि हम प्रोडक्शन मॉडल की तरफ जाएं, प्रोडक्शन मॉडल की तरफ जाते हैं तो वहां पे मसाइल बहुत ज्यादा है, मैंने पिछले भी लॉग में बताया था IMF के हवाले से, जिस तरह हम कर्जों में मकरूज हमारी इकोनॉमी है, तो बस हमारे पास एक ही ऑप्शन बची है, पैसा रोटेट करते रहे करते रहे करते रहे, प्लॉटों की कीमत को सुपर सेचुरेट करते रहे, यहाँ से कमाऊ पुत बाहर बेचते रहे, बस वो पैसा कमा के बेचते रहे, हमारे पास अब यही मॉडल है, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा मॉडल ही नहीं बचा। बहुत बहुत शुक्रिया तेबी आपका।